सुप्रीम कोर्ट ने 18वीं तरमीम में सूबाई इख्तियारात से मुतालिक केस में फुल कोर्ट बनाने की रज़ा रब्बानी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस इजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत 18वीं तरमीम का जायजा नहीं ले रही। अदालत के सामने इशू 18वीं तरमीम के तहत चंद अस्पतालों की तहलील का है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर सूबे सेहत के शोबे की बेहतरी की कोशिश ना करें तो क्या वफाकी हुकूमत मदद के लिए ना आए? क्या सूबे को सेहत के शोबे का मुकम्मल इख्तियार दे दिया जाए? क्या वफाकी हुकूमत लोगों को सहूलियात देने में कोई किरदार अदा नहीं कर सकेगी? 18वीं तरमीम को अदालत ने आईनी और दुरुस्त करार दिया है, यह कोई लीगल सियासी इशू नहीं। हमारे सामने छोटे बड़े सूबे का सवाल नहीं है, छोटे बड़े सूबे का तफरुका पैदा नहीं करना चाहिए। अदालत के सामने सवाल कानूनी है। इस पर रज़ा रब्बानी ने कहा कि अगर वफाकी हुकूमत सूबे में अस्पताल बनाकर चलाएगी तो आर्टिकल 137 अपनी अहमियत खो बैठेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 137 अपनी अहमियत कैसे खो बैठेगा? रज़ा रब्बानी साहब, इतना बड़ा बयान न दीजिए।